तो भाई घाट के ऊपर गाड़ी खराब हो रखी है मानपुर घाट पे। अभी पहुंचे हम खलघाट नर्मदा नदी पे और भाई हमारे पास रात की रोटी और चावल बची थी। ये है मेन गेट सेंधवा किले का। आज बनाया भाई घर पे दाल चावल बनाया है। लोडिंग कंफर्म हो गई अपनी, गाड़ी भरने के लिए जा रहे हैं पीतमपुर। पीतमपुर से भरेंगे खेतिया के लिए माल, साबुन भरेंगे भाई, साबुन सर पे है तो करेंगे, भरेंगे अपनी गाड़ी, देखते हैं कब तक भराते हैं। बुलाया तो है कंपनी से, फोन आया था अभी कि भैया आप आ जाओ, गाड़ी अभी नाइट में लोड हो जाएगी आपकी और नाइट में निकल जाएगी, तो देखते हैं भाई जाते हैं और करते अपनी गाड़ी लोड। और ये सामने आ गया अभी बाईपास रोड, बम्बई आगरा रोड, बताता हूँ आप लोगों को, वीडियो में बने रहे। ये आगे लिखा हुआ आ गया राइट साइड मऊ और राइट साइड बम्बई और लेफ्ट साइड जाओगे तो देवास। ये है भाई आगरा बम्बई रोड। और भाई इसको बोलते पतंग वाला चौराया, क्योंकि यहाँ पतंग बनी है, इसीलिए ये पतंग बनी है। तो भाई उसी रोड से, जिस रोड से हम गए थे उसी रोड से वापस आ रहे हैं। पिछले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने किस रोड से हम गए थे, और ये पेंटिंग बनी हुई भी देखी होगी आप लोगों ने, मस्त वाली। तो भाई काफी बड़ी कंपनी है यहाँ पे पीतमपुर में। अपनी गाड़ी लोड होके निकल रही है इस कंपनी में से। ये है घड़ी साबुन कंपनी, और अपनी गाड़ी में भरा घड़ी साबुन। भाई हमारी गाड़ी का नंबर आ गया था, हम भरने के लिए चले गए थे अंदर और अपनी गाड़ी भर गई, निकल रहे हैं। और रात की बज रही भाई चार बजे करीब, हमारी गाड़ी भर के निकले अंदर कंपनी में से खेतिया के लिए। तो चलो भाई मिलते आप लोगों को, करते बात के रास्ते में। पहुंच चुके अभी बम्बई आगरा मेन रोड पे जो पीतमपुर चौपाटी भी पड़ता है, और इधर मनाल होटल, ये इधर मनाल होटल। अपनी गाड़ी का कट थोड़ा आगे है, हमें वो जाना है उस साइड में, क्योंकि हमें सेंधवा साइड जाना है तो उस साइड में जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी मानपुर, और अपनी गाड़ी की इधर साइड में, रोड के साइड में, और ये मेन रोड है। और पियेंगे भाई चाय, पीते हैं चाय। ये वही होटल है भाई जहाँ हम हमेशा रुकते हैं, नाश्ता पानी चाय पानी करते हैं मानपुर में। तो भाई मेरी तरफ से आप सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई हो चुकी है सुबह और अब बज रही है सुबह के 5:30, और भाई पी रहे हैं हम चाय जहाँ हमेशा रुकते हैं नाश्ता पानी करने के लिए मानपुर में, वही होटल है ये। तो चलो भाई चाय वाय पीते फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई घाट के ऊपर गाड़ी खराब हो रखी है मानपुर घाट पे, कार्गो वाली गाड़ी है बड़ी। और भाई मानपुर घाट उतर रहे हैं, हो चुकी है भाई मॉर्निंग। तो भाई हमारी गाड़ी लोड हो गई थी पीतमपुर से, और भाई काफी टाइम बाद छोड़ा यार उन्होंने, कम से कम 4 बजे रात को हमारी गाड़ी छोड़ी वहां से और निकल के आए, फिर मानपुर में रुके, उसके बाद फिर चल पड़े वापस। तो भाई लो घाट का नजारा, काफी गाड़ियां जाम लगी उस साइड में, मतलब जाम नहीं लगा है, चल रही है गाड़ियां। ओ भाई यहाँ तो जाम लग चुका है सचमुच उस साइड में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उस साइड वाले रोड पे, काफी गाड़ियां लगी हुई है। पूरी पीछे नीचे तक पूरा जाम।
जाम ही जाम। आज इतना कैसा ट्रैफिक यार, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अभी क्या है, माल भी चल रहा है, कच्चा माल सबसे ज्यादा चल रहा है, अंगूर चल रहा है, केला चल रहा है, प्याज चल रहा है, हर कोई कच्चा माल चल रहा है ना। इसी चक्कर में अभी ट्रैफिक रोड के ऊपर बढ़ गया है भाई, जाम लगा है पूरा मानपुर घाट पे। अरे यार बस वाले भाई, इतने स्पीड से मत जाए, आराम से चलाओ यार, बहुत ज्यादा स्पीड से चलाते गाड़ी। कम से कम घाट तो आराम से उतारो यार, बिरकने लगते फिर व्हील गर्म हो जाते तो भाई। यहाँ तक जाम है, तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी खलघाट। तो ये खलघाट का मार्केट है और छोटा भाई अपना गया है नाश्ता लेने के लिए, तो नाश्ता करते हैं सुबह सुबह, भूख लग रही है यार भाई। हम खलघाट नर्मदा नदी पे, और भाई हमारे पास रात की रोटी और चावल बची थी, हमने खा लिया पेट भर के, उसके बाद खाना बच गया था, तो हमने फालतू वेस्ट नहीं किया एक आने इस खाने को। हमने क्या करा कि भाई खलघाट होके निकल के जाएंगे तो मच्छी को रोटी और चावल डालते जाएंगे, देखते नहीं, इसलिए कभी भी रोटी फेंका मत करो भाई, वेस्ट मत करा करो, क्योंकि कोई जानवर खा ले, कोई आदमी इंसान खा ले, उसे दे दिया करो। तो भाई देते हैं हम रोटी नर्मदा नदी में मच्छियों को, खिलाते हैं पहले तो चावल दे देते हैं। On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you've felt. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. भाई कभी भी खाना बचे वेस्ट नहीं करना, जानवर को दे दो या कोई आदमी इंसान किसी को खाने के लिए हो उनको दे दो, कोई मिल जाए तो, या तो फिर नदी में। पहुंच चुके हैं सेंधवा बॉर्डर पे, और भाई आज भीड़ भड़का नहीं है, आज पूरा बॉर्डर खाली खाली नजर आ रहा है। उस साइड में इतना भीड़ भड़का है, उस साइड गाड़ियां लगी है, इस साइड में कुछ भी गाड़ियाँ नहीं है, बस चार पांच गाड़ी लाइन में लगी है, नहीं तो भाई हमेशा भीड़ भड़का रहता है। शाम को सबसे ज़्यादा भीड़ भड़का रहता है, और सुबह अभी दोपहर में क्या है, अपने ट्रक वाले भाई खाना खाने रुक जाते हैं कोई, और गर्मी ज़्यादा गिर रही है, अभी तो कोई ढाबे पर रुक जाते हैं, कोई झाड़ के नीचे खड़ी कर लेते पेड़ के नीचे, और फिर नाइट में ज़्यादा चलते हैं गाड़ी वाले सब। इसी चक्कर में क्या अभी दिन में भीड़ भड़ाका कम रहता है, ट्रैफिक बहुत कम रहता है। तो चलो भाई काटा वाटा करवाते, बॉर्डर पार करते, फिर करते आप लोगों से बातें। तो गाइस कर लिए हमने बॉर्डर क्रॉस, और अपनी फाइल लेके गए थे आईटी ऑफिस, वहाँ पे ये सील ठप्पा लगा के दिया, ऐसे पर्ची पे सील लगती है यहाँ पे। उसके बाद में आगे एक एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से निकले गाड़ी तो ये स्लिप वहाँ पे देना पड़ता है। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे, करते बातें। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सेंधवा सिटी, सेंधवा शहर में चल रहे हैं, और इधर ये किला है सेंधवा का, इसका मेन गेट आगे है। पिछले कई व्लॉग में भी बताया था मैंने ये सेंधवा का किला, लेकिन जो भाई नहीं देखे तो यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो भाई दिखा देते हैं आप लोगों को।
ये है मेन गेट सेंधवा किले का। तो फाइनली गाइस अपना हाथ मुंह धो लिए हैं और अपना लग गया है खाना खाते। भाई खाना आज बनाया भाई घर पे, दाल चावल बनाया है। तो चलो भाई खाना वाना खाते फिर करते आपसे बातें। तो फाइनली गाइस अपना खाना वाना भी हो गया और नहा भी लिए फर्स्ट क्लास। और भाई घर आके मस्त मजा आ गई नहाने में भी ठंडे ठंडे पानी से। और भाई अपनी गाड़ी खाली होने के लिए पहुंचा दी है, एक ड्राइवर को पहुंचाया और मैं घर रुक गया हूँ क्योंकि भाई काफी थका हुआ हूँ, क्योंकि अकेला चलाना पड़ता। छोटा भाई अभी सीख रहा है तो उसे अच्छे अच्छे रोड पे फोर लेन पे गाड़ी दे देता हूँ उसे, और फिर रात भर तो मुझे चलाना पड़ता है। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भैया लाइक कमेंट शेयर इन सब्सक्राइब जरूर कर दे। और भाई मिलते हैं तब तक दूसरे ब्लॉग में, करते हैं आप लोगों को बाय बाय।